राधे राधे बोलो, राधे राधे बोलो। अम्मा हमें ना विज्ञान समझ में नहीं आ रहा, तो हम क्या करें? अम्मा ट्यूशन लगवा दो ना। ट्यूशन? जो नालायक बच्चे होते हैं ना वो ही करते हैं ऐसी बकवास बातें। पढ़ने वाले बच्चे किताब को घोल के पी जाते हैं, ऐसे बहाने आने नहीं मारते। किताब घोल कर पी जाते? किताब कैसे घोलते हैं? अम्मा को दे देते हैं, वही पिला देगी। तो लो अम्मा हमें घोल कर दे दो, हम पी जाएंगे गट्टागट, तो हम भी तेज हो जाएंगे। हे भगवान, ये तो कतई हमारी तरह बौड़म निकली। अब हमें ही कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। चल श्रुति कुछ जुगाड़ लगाते हैं। कोई बात नहीं बिटिया, जैसा पढ़ रही हो वैसा पढ़ो, पढ़ो पढ़ो। राधे राधे अम्मा। अरे राधे राधे बिटिया, ये लो हम तुम्हारे लिए, देखो जुगाड़ कर लाए। ये क्या है अम्मा? अरे वो बगल वाली की लड़की जाती है ना विज्ञान के ट्यूशन, तो हम तुम्हारी कापी लेके चले गए थे, और उसकी कापी में से वो क्या कहते हैं नोट्स उसकी जो थे ना। नोट्स नहीं अम्मा, नोट्स। हाँ बोई, उनको हम ऐसे कापी कर लाए, फटाफट लिख दिया हमने। अब ये लो इसको पढ़ लो, और भैया तो होगी तुम्हारी नैया पार, और हमारी लड़की तो छा गई पूरे मोहल्ले में, अव्वल आओगी तुम, अब कोई नहीं रख सकता तुमको। चलो हम ना वो कपड़ा धो के आती है, ठीक है? अच्छे से तैयारी करना आती। हाँ अम्मा। चलो नोट्स पर लिख। माँ बाप का नाम खराब करें। ए गधे, ए गधी। करें ना, तू कर दिया। नीचे लेट जाए, कुत्ते की तरह भौंके। भौंके ना, अब तो भौंक दिया। अब सबसे पहले प्याज काटे। प्याज काटे, फिर अंडा फोड़ कर डाले। आज मैं तुझे फोड़ दूंगी। डाले कढ़ाई में, मैंने तो सिर पे ही फोड़ लिया अपने। कोई नहीं, कढ़ाई में डाल दी, मैं खुद कढ़ाई में बैठ जाती। हाँ? एग्जाम है और मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूं? आइडिया मम्मा से कहती हूँ। मम्मी, ओ मम्मी। यस बेटा। मम्मी मेरा मैथ्स का टेस्ट है और मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप बताओ ना मैं क्या करूं? आई थिंक आपको एक ट्यूटर की जरूरत है, व्हाट डू यू से? Yes, mommy. तो कोई बात नहीं, मैं अपने प्यारे बेबी के लिए एक मैथ्स का ट्यूटर लगवा देती हूँ। Okay, mommy. मैं आपके लिए वर्ल्ड का बेस्ट मैथमेटिशियन बुलाती हूँ। ओके ओके। हेलो अनाया, आज से आप मेरी बेटी को ट्यूशन पढ़ाएंगे मैथ्स का। अनाया इनसे अच्छे से पढ़ना और क्लास में फुल मार्क्स लाना। Okay, mommy. Toodles. Toodles. La 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 la. बेटा, आपके मैथ्स के एग्जाम की प्रिपरेशन हो गई? मम्मी वो बूढ़े से अंकल तो ज्यादा नहीं अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहे। ओह, कोई बात नहीं, मैंने आपके लिए एक स्पेशल चीज मंगवाई है। Just wait and see. Okay, mama. ये लीजिए बेटा,
ये वर्ल्ड के सारे मैथमेटिशियंस के दिमाग की मेमोरी है। इसे दूध में घोल के पी जाइए। ओके। आर यू फीलिंग स्मार्टर? यस मामा। अब देखना आपके फुल मार्क्स आएंगे। ओके मामा। एंड आपकी मम्मी स्मार्टर? यस मामा। गिव मी अ किसी। बाय बेबी। बाय। हो बॉस फादर ऑफ यार मुझे याद ही नहीं हो रहा है। हाँ वो मम्मी क्या बोल रही थी, गाना गा के याद करना। Who was father of the nation? 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 अरे अम्मा ये क्या कर रही हो? अरे हमने सोचा तुम अंग्रेजी में गाना गा रही हो तो हम थोड़ा सा नचाई लें। अरे नहीं अम्मा हम तो याद कर रहे हैं। क्या याद कर रही हो बिटिया? अम्मा देखो हमारे राष्ट्र के पिता का नाम महात्मा गांधी था। हैं? ये इंग्लिश में याद कर रहे थे अम्मा। हमारे राष्ट्र के पिता का नाम महात्मा गांधी था? हाँ। हम तो समझे थे कि हमारे पिताजी का नाम पप्पू यादव था। पूरे राष्ट्र के एक ही पिता हैं। इसका मतलब हमारे पिता और तुम्हारे पिताजी के पिता एक ही थे। हम तुम्हारे पिताजी की बहन है। क्या गलत गलत पढ़ रही हो आरती, जिसको अच्छी बात लेंगे ये गंदा मजाक है क्या? ये कहाँ से आरती की नॉस्टैल्जिक चीजें सीख के आ जाती है? तुमको समझ नहीं आती है कि गंदे गंदे घिनौनी बातें कर रही हो? अम्मा छोड़ो ना, छोड़ो ना अम्मा, हम छोड़े। बताओ तुम हमें कौन सिखा रहे है? Oh my God, मामा ये polar bears कहाँ रहते हैं? Oh, polar bears. Interesting question, बेटा. I think हमें polar bears से ही पूछना चाहिए, right? Polar bear मंगवाइए. Oh, आप इन्हीं से पूछ लीजिए. Hello polar bear, आप कहाँ रहते हो? कैसन बनाया? हम बिहार में रहते हैं। ओह वाओ। पोलर बेयर वहाँ का फेमस फूड क्या है? बिहार का लिट्टी चोखा। ओह वाओ। सो इंटरेस्टिंग। और मुझे प्लीज 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 बताइए ना वहाँ का म्यूजिक कौन सा फेमस है? हमारे मिक्सी तो हमारे मिक्सी दोनों की मिक्सी बकाला काला। वाओ वेरी इंटरेस्टिंग। मामा आई एम क्विकली गोइंग टू नोट दिस डाउन। थैंक यू पोलो बियर। थैंक यू। हो गई तैयारी, अब जा रही हूँ नहाकर, फटाफट स्कूल के लिए तैयार हो जाती हूँ। अभी तो आरती को तैयार होने में समय है, जब तक बाबा जी का थोड़ा सा प्रवचन ही सुन लेते हैं। क्या आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे एग्जाम में टॉप करें? हाँ 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 हाँ। सबसे पहले आप अपने बच्चे की पेंसिल बॉक्स की पूजा करें और उसके बाद उसे मूत्र से धोएं, गौमूत्र से, और देखना आपका बच्चा इस परीक्षा में जरूर टॉप करेगा। हम भी कर सकते हैं ये तो, हमारी लड़की भी पछताएगी। हमें तो अभी से खुशी से रोना आ रहा, जल्दी से पूजा कर लेते हैं। कहाँ गया? मिल गया। इसी पेन से देगी आरती पेपर। अभी पूजा करती हूँ फिर चलेंगे आरती के हाथ। सरासर
बड़ मो की रखबारी कर बेबारी ओ तुम पेन माता आरती को लिखवा देना जल्दी जल्दी से पेपर उसके बढ़िया नंबर कराना तुम पेन माता। लो तिलक लगा देते हैं, फूल चढ़ा दिए, भोग भी लगा दिया। और का कहा था उन्होंने? पेन को गाय के मूत्र से स्नान करवाना है। जल्दी से करा के लाते हैं। अरे आरती हो गई? मैं तो जूता पहनी हूँ। कोई नहीं, दूर से। हे भगवान, हमें अच्छे नंबर से पास कर देना, प्लीज प्लीज भगवान। ये भी आता है। इस पेपर मेरे को सारा चीज आता है। चलो पेंसिल बॉक्स निकालती हूँ और जल्दी से कर देती हूँ फटाफट। पेंसिल बॉक्स कहाँ गया? मैंने तो बैग में रखा था। सपना, प्लीज थोड़ा पेन दे दे। चल फोन। अनु, प्लीज थोड़ा पेन दे दे। अभी काम कर ले। मेरे पास तो पेन ही नहीं है, मैं किसे करूं? ला 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 ला। ओ नो, ये तो टूट गया। ये भी टूट गया। Oh my God, ये भी ब्रेक हो गया। Oh no, आज ये मेरे साथ क्या हो रहा है? लगता है मामा को बुलाना पड़ेगा। मम्मी। क्या हुआ बेटा? मम्मी, जो भी पेंसिल मैं यूज कर रही हूँ वो टूट जा रहा है। Oh no. It's a stationary emergency. इसी दिन के लिए मैंने नासा के साइंटिस्ट से बोल के आपके लिए स्पेशल पेंसिल बनवाई है। ये लीजिए अनाया, दिस इज अनब्रेकेबल पेंसिल जो ना कभी खत्म होती है और ना कभी टूटती है। वाओ मामा, बट मैं तो टेस्ट दूंगी नहीं, वो तो प्रिंसिपल सर देंगे। तो ये आप प्रिंसिपल सर को दे दो। ऑफ कोर्स। इसे प्रिंसिपल के पास पहुंचा दो क्योंकि अनाया का एग्जाम प्रिंसिपल देंगे। ओके बेटा। ओके। अम्मा, ये लाई बतासा क्यों खरीदी हो? अरे बताते हैं अभी। अम्मा, लगता है ना पेपर में फेल हो जाएंगे। अरे उसी लाने तो खरीदे हैं हम। ये लो लाई बतासा। हाँ लाई बतासा, अपनी वो पढ़ाकू वाली दोस्त है ना, उनको दे देना और उनको कहना कि वैष्णो देवी से प्रसाद लाए हैं, जो इस प्रसाद को खाएगा ना सरस्वती माता उसके साथ बैठ के पेपर करेंगी। उससे क्या होगा अम्मा? अरे बुड़बक, उनसे कह देना अभी प्रसाद देंगे जब तुम हमको पेपर में दिखाओगी। अच्छा चीटी। हर का नहीं तो। आप तो जबरदस्त हो अम्मा। तुम हमको हल्के में ली थी है? यूं ही नहीं तुम्हारी बुआ हमारे नाम से थर थर कांपती है। ये लो। सपना अन्नू, मुझे भी पेपर में दिखा देना ना। हम क्यों दिखाएंगे तुझे, खुद तो पढ़ के आती नहीं हूँ। देख, मैं माता रानी का प्रसाद लाई हूँ। इससे क्या होगा? कहते ना, जो माता रानी का प्रसाद खाते हैं ना, उसके साथ ना पेपर माता रानी देती है। हम भी तुझे ना बता देंगे पेपर पर, हमें भी प्रसाद दे। पक्का दिखाएगी ना? हाँ हाँ।
चल चलो पेपर देते। What happened? मम्मा मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि क्वेश्चन पेपर में क्या क्वेश्चंस आएंगे। अगर वो ज्यादा डिफिकल्ट हो कि मुझे समझ में नहीं आए तो ओ या अनाया ये तो मुझे भी लग रहा है। Why don't you do one thing? आप ना आंसर शीट में जो जो आपको आंसर्स आते हैं वो लिख देना। क्वेश्चन पेपर मैं आपके आंसर्स के अकॉर्डिंग बाद में बनवा दूंगी। ठीक है? ओके ओके माला, नाउ गो एंड एंजॉय। ठीक है, मेरा क्रेडिट कार्ड मैं आपको दे रही हूँ, जाके पूरा माल खरीद लाओ। ओके ओके मामा, थैंक यू, बाय बाय, बाय, हैव फन। किसका फोन आ गया भाई? सुशीला? हाँ सुशीला बोलो। हाँ हाँ प्रणाम, कैसी हो? क्या तुम्हारे मौसी के फूफा की अम्मा मर गई? कितने साल की थी बे? बस 95 की। सुशीला तुम पहली गाड़ी पकड़ के निकलो, हम भी आ रहेंगे। हाँ अभी आते हम। कम बैग आरती, तो जोड़ी कपड़े डाल ले, फोन ले लो। मैडम जी हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, मैडम जी हम तुम्हारे पैर पड़ रहे हैं। हमारी बिटिया दे दो हमको वापस, हमारी बिटिया दे दो। अरे हमने कोई तुम्हारी लड़की किडनैप थोड़ी करी है, वो तो पेपर देने आई है और देरी पेपर। बुला दो हमारी बिटिया को, बुला दो। आरती? हाँ मैम। तुम्हारी अम्मा आई है? अरे आरती, आरती हम तो बहुत जी घबरा रहा, बहुत जी घबरा। अरे क्या हुआ अम्मा, हम तो पेपर दे रहे हैं ना। आरती अम्मा मर गई। आरती अम्मा मर गई? दादी मर गई? अरे इतने कुछ नसीब नहीं है हमारे। तुम्हारी दादी नहीं, वो तुम्हारी मौसी की फूफा जी की जो अम्मा नहीं थी वे मर गई। अरे अम्मा उनको तो मरना ही था ना, कितनी बूढ़ी थी वो। अरे ऐसे ऐसे कैसी बातें कर रही है, है? चलो जल्दी बिहार चलने हमको, चलो। अम्मा एग्जाम तो देने दो ना। अरे एग्जाम जाए भाड़ में, तुम एग्जाम तो अगले साल भी आ जाएगा, लेकिन सारे रिश्तेदारी को मुंह भी तो दिखाना होता है, सुख दुख के साथ ही होते हैं। चलो जल्दी से बैग उठाओ और हम लोग बिहार जाएंगे। अरे दादा भाई अम्मा चली, चलो आरती हमसे तो बोला भी नहीं जा रहा, कौन ने उठा लो तुम्हें जीजी, चलो जीजी। अनाया, What happened mama? बेटा आपको याद है आपकी मौसी, मौसी वाव वाव, she is no more. Oh no mama. हमें वहाँ जाना होगा फौरन। mama बस यहाँ पे principal इतने मुश्किल से मेरा test कर रही है, ये तो ज़्यादा important है ना? Yeah of course. Anaya आप अपना कैलेंडर चेक करके बताओगे आप कब फ्री होते हो? मामा सैटरडे को 4 PM। ओह मौसी बाबाओं को फोन लगाओ। मैम 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 मुझे ये श्रुति मैम का कॉल आ रहा है मैम। मैम मौसी बाबाओ। हेलो पीप्स। हाँ आप सैटरडे को 4 PM मरिएगा। ठीक है बेब्स। थैंक यू मौसी बाबा।
आज मरना कैंसिल। बेस्ट ऑफ लक अनाया। बाय मामा। टूडल्स। टूडल्स। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे टॉस्टर चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक लेते केयर एंड बाय बाय।